हत्या के मामले में फरार चल रहे 25,000 के इनामी शाहिद को बुलंदशहर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए इनामी पर जनपद के अलग अलग थानों में करीब एक दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। नगर कोतवाली पुलिस ने इनामी बदमाश से एक तमंचा और दो कारतूस भी बरामद किए हैं। तस्वीरों में दिख रहा यह हत्यारोपी शाहिद बुलंदशहर नगर कोतवाली के सरायकाजी का रहने वाला है, जिसने कुछ दिन पहले इसको पकड़ने गई पुलिस टीम पर ही पथराव कर दिया था। इतना ही नहीं, शाहिद पुलिस टीम पर पथराव कर वहां से फरार भी हो गया था। पुलिस के मुताबिक जब बीती 11 जुलाई को एसओजी टीम शाहिद को पकड़ने उसकी डेरी पर गई थी, तो शाहिद, उसके तीन भाई और 5-6 अज्ञात लोगों ने पुलिस टीम पर ही पथराव कर दिया। पुलिस ने इस मामले में कार्यवाही करते हुए 6 आरोपियों को पहले ही जेल भेज दिया था, जबकि पुलिस 25,000 के इनामी हत्यारोपी शाहिद की तलाश कर रही थी। आज बुलंदशहर पुलिस ने इनामी बदमाश को नगर के धमेड़ा तिराहे से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। पकड़े गए इनामी के पास से एक तमंचा और 2 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। देखिए, कोतवाली नगर थाना क्षेत्र का एक कुख्यात सातिर अपराधी है, जिसका नाम शाहिद उर्फ घोड़ी का बच्चा है। इसके विरुद्ध कुल 11 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें हत्या, हत्या के प्रयास, मारपीट, बलवा, इस तरह के मुकदमे दर्ज रहे हैं। पुलिस के पास, एसओजी टीम के पास एक अब सूचना थी कि कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में एक जो संजय प्रधान की हत्या हुई थी, उसकी साजिश में ये सम्मिलित है। उस जानकारी को डेवलप करते हुए ये जो हमारी एसओजी टीम है, इसके 5 लोग इसके यहाँ दबिश में गए थे, और दबिश के दौरान इसके घर की महिलाओं और इसके पारिवारिक सदस्यों द्वारा पुलिस टीम पर पथराव किया गया था और कूद करके पीछे काली नदी की तरफ भागने में सफल रहा। फिर इसके ऊपर 25,000 रुपये की पुरस्कार घोषित की गई धनराशि, और आज यह कोतवाली नगर पुलिस इंस्पेक्टर कोतवाली नगर और उनकी टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जेल भेजा जा रहा है। उल्लेखनीय यह है कि पूछताछ में इस घटना में, जो कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में 302 IPC की घटना थी, उसकी साजिश में सम्मिलित होना पाया गया। उन अपराधियों का जो शूटर्स थे, जब समय लोकेशन कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में था, उसी समय इसका भी लोकेशन वहीं था, उसी आधार पर पुलिस टीम इसको तलाश कर रही थी। अब इसको गिरफ्तार करके दोनों प्रकरणों में जेल भेजा जा रहा है। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए एसओजी टीम पर हमला करने वाले 25,000 के इनामी बदमाश को जेल भेज दिया है। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।